आज हम बनाने जा रहे हैं फिलिप्स। ये एक 2.1 स्पीकर है, इनबिल्ट ब्लूटूथ डिवाइस है, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैं इसको ऑन करता हूँ, आप ये आवाज़ सुन रहे हो, स्पीकर में हम की आवाज़ आ रही है जो कि नहीं आनी चाहिए। और ये इसका मॉडल नंबर है, आप देख सकते हो, MMS6080B। इसको हमने खोल रखा है, और ये जो इसमें हम की आवाज़ आ रही है इसके सबवूफर स्पीकर से आ रही है। तो हम इसको ऑन करते हैं, और सबसे पहले इसके जो सबवूफर का है वायर ही डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और फिर हम इसका वोल्टेज लेंगे। मीटर ले लो भैया ज़रा। ये इसका स्पीकर टर्मिनल है सब वूफर का सॉकेट। मीटर पे आप देख सकते हो यहाँ पे 0.200 लगभग, और जो दूसरा हिस्सा है बंद हो गया क्या भैया? ये जो स्पीकर टर्मिनल है आप इसके ऊपर देख सकते हैं मीटर पे +13 वोल्ट, और जो दूसरा पिन है वहाँ पे -14 वोल्ट। अभी इतनी सप्लाई आएगी तो इसके अक्रॉस कितनी सप्लाई हो गई? 28 वोल्ट, ये नहीं आना चाहिए। और ये जो है इसका आउटपुट का जो आईसी है ये आईसी ख़राब है, इसको हम चेंज करेंगे। इसको हम चेंज करेंगे उसके बाद फिर तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसके सबवूफर के जो है दोनों आईसी को चेंज किया है, और अभी
इसका वोल्टेज लेंगे हम, आप ये अभी आप देख सकते हो स्पीकर का जो ये पॉइंट है इसके ऊपर अभी 0 वोल्ट है, दोनों ही आईसी पे, चारों पे भी 0 है। पहले जो है अपना सबवूफर का जो ये पॉइंट है, जो अपना स्पीकर सॉकेट जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे 15 वोल्ट आ रहा था, अभी वो 0-0 हो गया है। तो अभी मैं जो है इसका सॉकेट लगा दूँगा स्पीकर का, सॉरी वूफर का, और थोड़ा सा म्यूजिक का भी आनंद लेंगे। इसमें ब्लूटूथ वर्किंग है, कस्टमर जो है हमारे प्रिय मित्र ही हैं, हमारे पड़ोस में रहते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। तो हम पहले बीटी मोबाइल कनेक्ट करो भैया ब्लूटूथ से, जल्दी जल्दी करो भैया, ब्लूटूथ से दूसरे मोबाइल के थ्रू हम पेयर कनेक्ट कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट बजने दो ना, क्या हुआ? तो अरे तो थोड़ा देर चलने दो भैया इसको, सो आजकल यूट्यूब वाले हर जगह पे ऐड देते हैं। तो आप नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो अपना जो है ये फिलिप्स का होम थिएटर सिस्टम जो है वर्किंग गुड हो गया है, सॉरी सबवूफर स्पीकर 2.1।